आ जाऊंगा। ट्रीटमेंट कराने आए हुए हैं पेट का भी। काम आप मुंह धोकर नहीं आई थी, नीडल्स वाला ठंड लग रही है। मैं जैकेट पहन के अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ किया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मजे में हैं। तो भैया आज का दिन बहुत ही खास है, धूप निकली हुई है, सर्दी थोड़ी कम है। तो आज हम जाने वाले हैं रूबी सैनी के पास अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराने। मेरे साथ जा रहे हैं गोलू पायल, सपना दीदी। सपना दीदी आप ट्यूशन जाओगे बिट्टू? अम्मा छुट्टी करवा। नहीं बेटा, पायल इसकी 15 दिन की छुट्टी है। 15 दिन की छुट्टी, उसमें हम जाएंगे कश्मीर, गोवा, दुबई, मालदीव्स में से एक जगह। तो थैंक यू सो मच, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे शॉर्ट्स वीडियो कल बनाई थी मैंने, आज आ गई है। व्यूज़ है 7 मिलियन, मतलब कि 15 घंटे के अंदर 7 मिलियन व्यूज़। थैंक यू सो मच। तो एक और शॉर्ट्स बनाई है सुबह सुबह, तो नितिन भैया एडिटिंग कर रहे हैं। तो हाँ जी, क्या ये क्या करता रहता है ये? अभी जो मैं दिल्ली से ज़बरदस्त मेरी ड्रेस लेके आया था, तो आज पहनूंगा वही वाली, ये वाली। और साथ में है मजेदार सा लोअर। एक बात बोलूं, सर्दियों में ये कपड़े होने चाहिए, पहनो लोअर और पहनो, क्योंकि जीन्स पहनी जाती ठंड लगती है। है पायल, मैं तो सर्दियों में ना ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मजेदार से। सुन इसका और भी तो कलर थे गाइस, कैसा लग रहा है आप बताना जरूर। बहुत ही बढ़िया। अरे मुझे तो पूछने दिया, अगर घर वालों को तो अच्छा ही लगता है ना। तो चीकू निकल गया है ट्यूशन के लिए और ये लड़के का लुक है। तो कुछ कहना चाहोगे आप? दो बैग लेके जाते हैं, पेन और ये वाला बैग। अच्छा आपकी ये बताओ कि छुट्टियां कितने दिन की है? 15 दिन। तो 15 दिन में आप क्या क्या करोगे? गोवा जाओ। गोवा जाऊंगा 6 दिन के लिए। ओके। और 8 दिन के लिए मैं जाऊंगा शिमला। ओके। और दुबई जाऊंगा 8 महीने के लिए। और कुल्लू मनाली खाओ जाऊंगा 6 महीने के लिए। कुल्लू मनाली मेरा गंजी टाट, मम्मी लोकड़ू, मेरी बेटी शिंडू है, मेरा शिंडू। क्या मेरा शिंडू। तो हम जा रहे हैं स्किन का ट्रीटमेंट कराने, मज़ेदार वाला। मेरे साथ जा रही है पूरी टीम, बहन जा रही है, मेरी दोनों वाइफ जा रही हैं, गाड़ी चलाऊंगा मैं, नितिन घर पे है, चीकू भी घर पे है, तन्नू भी घर पे है। कुछ लोग कल सपना को कमेंट आ रहे थे कि आपकी लाइफ बताओ, आप तन्नू के लोग अलग क्यों रहते हो? तो सपना बताएगी आपको कल, वैसे सामने बैठी हुई है, कुछ कहना चाहोगे आप? कल बताएंगे, आज तो हम रूबी के पास जा रहे हैं, थोड़ा टाइम नहीं है। अच्छा चीकू इधर आओ, एक बात बताओ मुझे, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जी। आप जब कल गए थे नीचे, हाँ जब मैंने आपको कॉम्प्रोमाइज कराया था झगड़े का, वो ठीक हुआ? उसके बाद झगड़ा हुआ दोबारा तेरा और दोस्ती हुई? नहीं दोस्ती हो गई, मतलब दोस्ती रखनी है तूने, नहीं रखनी है बता? रखनी है। तो फिर उनसे हेलो हाय तो हुआ था ना तेरा अच्छे से? नहीं। और हेलो हाय नहीं? कोई बात बता, मतलब नीचे खेले थे आप, अवनय से खेल तो रहे थे जब मैं खेल रहा था, खेल रहे थे ना, तो झगड़ा तो नहीं होगा ना दोबारा? नहीं ना ना। चलो चीकू बाय बाय बच्चे, चल नितिन जा रहा हूं मैं, ठीक है बाय बाय। सुनो ठीक है तन्नू, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम, जहाँ हमें जाना है मुझे लग रहा है कि वहाँ का रास्ता जो 40 मिनट का है, और मुझे लग रहा है 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये देख बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत पूरा रेड हुआ हुआ है गूगल मैप्स भी। एक बार ये मैं पूछ लेता हूँ कॉल करके, कुछ ट्रैफिक के इशू तो नहीं है? फिर अगर ऐसा है रूबी जी, हम ऑन द वे है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ ट्रैफिक काफ़ी मिल रहा है हमें। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये बोल रही थी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, काफी ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि आपने कहा था ना कि कल तो काफी ट्रैफिक था, तो हम कल नहीं आए इसलिए आज आ रहे हैं। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक तो रोज ही इधर ना धरना लग जाता है, 2 दिन से तो बड़ी परेशानी। जी 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 जी, कल कहीं जाना था मैं, तो मैंने बात कर ली है रूबी जी से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रैफिक है क्योंकि इस रोड पे मोस्टली ट्रैफिक रहता है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, काफ़ी दूर का ट्रैवल था, तो बच्चे ऊपर चल रहे हैं, हम सीढ़ियों में थक गया हूँ। के सामने है रूबी सैनी, हमारी स्किन की मालिक, क्या कहना चाहते हो? वेलकम इन FBR अरमान, आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आना तो था बट थोड़ा सा टाइम इश्यूज हो रहे थे।
तो आज क्या करोगे फटाफट से बता दो। आज मैं पहले स्किन देखूंगी कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितनी नहीं है, कितना टैन लेकर आए हो आप लोग, उसके बाद में कोई बात नहीं, पहले स्किन चेक करा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्किन के साथ यहाँ पे पेट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और ये करती हैं हमारी रूबी जी, तो पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यहाँ जब भी आती हूँ फेवरेट कुछ ना कुछ खाती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ खाती हूँ फेवरेट, जैसे लास्ट टाइम मैंने खाए थे राजमा चावल एंड साथ में छोले कुलचे, तो आज देखते हैं कुछ स्पेशल क्या खिला रहे रूबी जी हमें। तो गाइस गजब के आ गए हैं पकोड़े और मुंह में आ गया पानी, कृतिका पायल की चेहरे लड्डू देख रहे कंटिन्यू, और सपना के भी मुंह में पानी आ गया, और जो हमारे सैनी साहब है वो तो रोज खाते रहते हैं, तो भैया गजब के दिख ही रहे हैं सब कुछ। दाल के पकोड़े, हाँ मुंह दाल के पकोड़े और चाय वाय हैं, तो निपटाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं, स्किन का थोड़ा काम कराते हैं। और इस कार्यक्रम शुरू हो गया है, आपको दिख रहा है जैसे भी आप देखिए, तो ये पीछे जो इंसान है ये हमेशा की तरह खून निकालने आया मेरा, ये हमारी खेती का मलिक जो मुंह धो के नहीं आई घर से, यहाँ मुंह धुलवा रही है। बिल्कुल सही बोला पहले, मुंह धो के नहीं आई थी, तो मैं इनको यही बात बोल रही थी, देखो आप मुंह धोगे तो आपके हाथ पे मेकअप आ सकता है, तो बुरा मत मानना। तो ये निकलवा रहे हैं अंदर मतलब बाहर ब्लड, और यहाँ गोलू अपने मुंह पे फेस वॉश करवा रही है क्योंकि घर से फेस वॉश करके भी आई। एक बात बोलू, बोल कौन रहा है, देखो गाइज जो पीछे लड़की कैमरा चला रही है ना वो भी मुंह धोकर नहीं आई। हेलो गाइज मैं सुबह सुबह उठ के मुंह धो के आई हूँ, झूठ बोल रही है। पायल तेरे फेस पे मेकअप है? तो मेकअप तो मैं करके आई हूँ ना, अभी करके आई हूँ बाबू। स्किन के काम के लिए देख रहे हो खून निकलता खुद का, तो देख लो अगर स्मार्ट बनना हो तो खून देना पड़ेगा खुद का, तो वहाँ पे देख लो लगी हुई है पायल है सपना। तो गाइज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको हमारी बहुत ही प्यारी फैमिली से, तो इनका नाम है, हेलो नाम बता दो फिर पूरा फटाफट। मेरा नाम है पूजा चौहान। रूबी जी कहाँ हो आप? मैं कह रही हूँ मेरी स्किन इस बार थोड़ी काफी डैमेज रही है, बिकॉज़ मेकअप की वजह से, वो बता रहे हैं कि मेकअप काफी देर तक स्टे रहे ना, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मेकअप कम करूँ। मेकअप चाहे कर लो, बस ये है कि जो आपका नाइट केयर है ना वो आप प्रॉपर करो, क्योंकि नाइट केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो फुल किया है नहीं, फ्रॉम लास्ट 10 डेज बिकॉज ऑफ शूट और बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम आउट ना, उसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल हमारा रीशेड्यूल हो गया था, बट नाउ आज से हम पक्का करेंगे। सपना ने करवाए थे पिछली बार स्किन का काम, तो सपना बताएगी उसको कितना रिजल्ट मिला। बहुत ज्यादा रिजल्ट है इसका, मजा आ रहा, मजा दिखती नहीं। हाँ तो भैया अब अपना ट्रीटमेंट होने वाला, मैं आपको बताऊंगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम हो तो कॉल रूबी सैनी। आप बता रही थी ना आईब्रोज का, तो मैं सिर्फ बोला मैंने कि इसको नीड नहीं है, इसके आईब्रो बहुत अच्छे शेप में देखो। हाँ पायल के जो आईब्रोज हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनको परमानेंट ब्रोज करानी होती हैं लोग कहते हैं, लेकिन जिनकी आईब्रोज अच्छी हैं ऑलरेडी मैं उनको बोलूँगी कि ना करवाएं, जिनको ज़रूरत है कि हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेली पेंसिल लगानी पड़ती है, डेली फिल करना पड़ता है, उनके लिए परमानेंट आईब्रोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट कृतिका और पायल की आईब्रोज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी ग्रोथ है। मेरा नाम भी ले दिया कर लो, मेरी देखो मेरी। अरमान भैया की तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, इसकी और चीकू की दोनों की आईब्रो ना बिल्कुल भी करवाते हैं, जिनके आईब्रोज जिनको मतलब हेयर फॉल का इशू रहता है ना आईब्रोज में, या जिन बॉयज के आईब्रोज होते नहीं है बड़े कम होते हैं, तो उनकी भी आईब्रोज होती है। तो कुछ कहना चाहोगे आप? अभी तो मेरी स्किन पील हुई है, तो अभी 2-4 दिन बोला है मेरे को फेस वॉश नहीं करना, 3 दिन फेस वॉश नहीं करना और 4-5 दिन मेकअप नहीं करना, तो मैं पूरी इनकी बात को फॉलो करूंगी, मेकअप नहीं करूंगी ना फेस वॉश। तो ये वो खून है जो इन्होंने हमारा निकाला था, और ये किस लिए होता है आप बता दो। ये जो मैंने इनका ब्लड लिया था इसमें से, ये देखो ये नीचे ब्लड है वायल में, और ऊपर ये हमने प्लाज्मा सेपरेट किया है, जो येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ये इनका प्लाज्मा है, तो जो हेयर फॉल है इनको और जो हमें न्यू हेयर ग्रोथ करनी है उसमें ये बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए अब मैं इसको इस सिरिंज में भरूंगी, देन मैं इंजेक्ट करूंगी उनके हेयर्स में ना, तो सो दैट हमें जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आए। वेरी गुड। तो गाइस अब इनकी टर्न है, तो अब इनका होने वाला है काम शुरू, और तो सबसे पहले रूबी जी क्या करेंगे? ये देखो महंगा कार्यक्रम है, अभी लेटेंगे आराम से। तो रूबी जी सबसे पहले अब इनका क्या करोगे, हेयर का फेस का? पहले मैं हेयर करूंगी क्योंकि फिर मैंने फेस बाद में करना है इनको। तो भैया हम लेट गए हैं,
और हीरो बन के अभी लाल हो गए गाल। तो सपना दीदी का क्या हो रहा है? लेजर। तो सपना दीदी का इधर हो रहा है लेजर फेशियल, जितने भी दीदी के अनचाहे बाल हैं वो हम निकलवाएंगे हमेशा के लिए दीदी। तो नेक्स्ट टाइम दीदी मैं आऊंगी लेजर के लिए पायल के साथ। इधर हो रहा है पायल जी का, लाइट बहुत ही धीमी है पर पायल का चमकता चेहरा दिखा देती हूँ मैं। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं पायल। हाँ ये तो वैसलीन लगा रहे हो उस पर? जी हाँ जी मैम, क्योंकि ये पील लगानी है जे, हमारे एक वैसलीन की लेयर लगानी पड़ती है क्योंकि जे पील अंदर ना जाए। ओके वाह, अरे वाह, मुबारक हो, बच्चे आ गए छोटे छोटे। ये देखो ये हमने किया था यहाँ पे प्लाज्मा, और देखो ये हेयर ग्रोथ आपको नजर आ रही होगी, पहले ये सारा खाली था, कुछ नहीं था इसमें। अभी ये हमारी यू नो खेती जो है वो उग रही है नेचुरल वाले, सुनो नेचुरल वाले ही राइट। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं छोटे छोटे से। इधर वाले दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर तो ना कोने से गायब हो गए थे, देखो यार ये देखो ये सारी ग्रोथ इनको दोबारा हो रही है। पर ये बहुत ही नेचुरल चीज है रूबी जी, ये हर किसी का हो जाता है, ये बहुत नेचुरल चीज है। और जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ना, आप ये देखो, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, कुछ कराते हो, सर्जिकल प्रोसेस में जाते हो, ठीक है, लेकिन अगर ये सबसे पहले ये चीजें ट्राई कर लेनी चाहिए, वो तो एंड ऑप्शन हो गया ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराए। ठंड लग रही है, जैकेट पहन के आई। हाँ सेम यार, मुझे भी ठंड लग रही है, ठंड है यहाँ पे। हो गया, कितना चल रहा है प्रोसीजर? मेरे बस होने वाला है, आपका हो गया? कर रहे हैं। फेस पे क्या हुआ है? बील लगी है? बील नहीं, पील। बील नहीं बोला, पील बोला मैंने। हाँ, पील लगी है। बील। अभी इनका भी चल रहा है नमिंग का सेक्शन। रूबी जी कुछ बोलना चाहोगे, क्या हो रहा है, कितना चल रहा है प्रोसीजर? बस इनका ये वाला एक ये वाला रोल रह गया, हेयर का ऑलमोस्ट डन है, देन मैं इनको फेस के लिए करूंगी, जो इनके हल्के से स्कार रह गए ये वाला, बस हल्का सा यही है इसको कवर अप करने के लिए। बहुत रेड हो गया इनका, उसके बाद फुल स्मार्ट दिखेंगे हम। हाँ वो आप अभी भी स्मार्ट दिखते हो भैया, बस ये आपकी देना चेहरा आपने बनाया अपना। पायल का कितना रह गया ट्रीटमेंट? मुझे खुजली हो रही है। हाँ वो पील लगा ना इसलिए बर्निंग हो रही होगी, ऐसे ब्लीच जैसा हो रहा है, जैसे ब्लीच में होता है ना। पायल की आईज पील हुई? हाँ जी हुई। तो कितना रह गया इसका प्रोसीजर? अभी है मैम सीरम पेनिट्रेशन कराना है। ओके ओके, कितना टाइम बचा है मेरा? बस 2 मिनट, 1 मिनट और। इसे खुजली हो रही ना, इसे आप वो कर दो, जैसे आपने मुझे कितना हवा मारी थी, हवा हवा कर दो इससे, इसको अच्छा लगेगा। पायल बेटर लग रहा है देख, फिर भी यहाँ मेरे को हो रही है। नहीं नहीं थोड़ी और खुजली कर दो, सॉरी और हवा मार दो। तो रूबी जी बताएंगे कि वो इनको फेस पे क्या दे रही हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा। फेस पे मैं इनको ग्लूटाथियोन इंजेक्ट करूंगी अभी स्किन में माइक्रो नीडल्स के साथ, तो उससे क्या होगा, जो इनके हल्के हल्के से स्पॉट रह गए हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे हमारा लास्ट टाइम हुआ था। हाँ जैसे आपका हुआ था, नीडल्स वाला। नीडल्स वाला। तो गाइस ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी डिटेल आप लोगों को मिले, स्किन का काम है तो पहले मैं कराता हूँ, मेरी फैमिली कराती है, कि बस ये रहता है कि यार जिसकी स्किन देखो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो अच्छे से ग्लो करे, चमकते रहे मज़ेदार से, तो मेरा मोटिव ये है, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग देखो, क्या ना कि ब्लॉग का मतलब होता है जो आप करें वो आप दिखाएं, right. तो इसलिए मैं सब चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। तो इनका फेस का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, वैसे ये दिखने में तो पेनफुल लगता है पर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि हम फेस पेस से पहले क्या लगाते हैं रूबी जी? नंबिंग क्रीम लगाते हैं जिससे आपका फेस सुन हो जाता है। इनका बस ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, अभी ये लास्ट में इनका नोज कर रही हूँ बस। नोज में थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हड्डी होती है तो थोड़ा सा हल्का सा माइनर पेन होता है। तो गाइस मजेदार जो स्किन हो गई है। क्या ये मैं हूँ? कौन है ये? शेफ लग रही है। ये कौन है? ये बहन जी, इधर ना बहन। बहन जी आप कहाँ कुकिंग से आए हो? कैसे लग रही हो? तो भैया फुल ट्रीटमेंट चल रहा है स्किन का, जबरदस्त वाला आपको दिख ही रहा होगा, तो गजब सी स्किन हो गई है। तो बस अब घर के लिए निकलते हैं भाई। सपना सपना भी चमक गई है देखो। भैया पायल फुल चमक गई है, क्या कहने, मजा आ गया। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा है वाइटनिंग फेशियल, जबरदस्त, सबसे ज्यादा दीदी चमक रही आज तो। सच में सपना दीदी पे बहुत अच्छा है। तो थैंक यू रूबी सैनी जी, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके, और हम पूरे 2-4 घंटे फुल एंजॉय करते हैं अपनी स्किन के साथ, आप खेलते हो और हम यहाँ पे
फुल मजे लेते रहते इधर उधर घूम के व्लॉग अपना बना लेते हैं। चलो बाय 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 टेक केयर गाइस। बाहर बहुत ठंड है, सीढ़ियों से पता लग रहा है कि जबरदस्त ठंड है बाहर की। है बाय वो मैं तो छोटे पहन के उठन लगती। घर पहुंच गए और सर्दी बहुत ज्यादा है, सपना की शक्ल बता रही है। चल ठंड है बहुत ठंड है, आ जाओ इत तो ठंड लग रही है। मैंने शर्ट पहनी है बस। और मैंने भी यार सिंपल शर्ट पहनी हुई है, ठंड है बहुत। तुम्हें हमें मिल गई है जल्दी क्या सुबह से नहीं। अरे तन्नु देख लियो मम्मी गोरी हो रही है पूरी। देख मम्मी कैसी लग रही है, कितनी गोरी स्मार्ट, कितनी गोरी। यहाँ पे आपके बाद तो बहुत फर्क है, वहाँ पे तो सारे दिन काम करते थे, अब तो फिर भी रेस्ट मिल जाता है। जी से ले रही मम्मी पूरे है फुल जी से बेटा। नमस्ते पापा। हाँ जी मैं अपने लिए आइसक्रीम बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनाऊंगा, बहुत अच्छी बनाऊंगा। क्या आइसक्रीम बनाऊंगा? दिखा तो दे क्या बना रहा है। आइसक्रीम आपके लिए। क्या होगा इससे? आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ जी। ट्यूशन पे क्या किया ये बता पहले। बहुत कुछ किया। कल की छुट्टी है, ये जाना है? जाना है। कल की छुट्टी थी दिन ना तो नहीं, कल छुट्टी है, जाना है? जाना है। चलो चीकू की क्या बना दिया? क्या बोल दे ये कह रहा है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खाओ पियो ऐश करो गाइस। पूरी ऐश करेगा जी को। हां जी बाय बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में खाओ पियो इसका। बाय बाय।